बातचीत की थी, अगर उनको उसी वक्त रोक दिया जाता तो छत्रपति शिवाजी महाराज के ताल्लुक से इस तरीके अपमानजनक बात नहीं करते। इस गवर्नर को यहाँ से हटाया नहीं जाए, इस गवर्नर को यहाँ से लात मार के निकाला जाए। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के आन बान शान नहीं है बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान के आन बान शान है, लेकिन कुछ सियासी पार्टियां छत्रपति महाराज की फ़ोटो को सिर्फ इलेक्शन के वक्त इस्तेमाल करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्लियर स्टैंड है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की शान में अगर कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो उसे महाराष्ट्र में रहने का हक नहीं होगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इससे पहले सावित्रीबाई फुले के ताल्लुक से भी गलत बातचीत की थी, अगर उनको उसी वक्त रोक दिया जाता तो छत्रपति शिवाजी महाराज के ताल्लुक से इस तरीके की अपमानजनक बात नहीं करते। मजलिस का सीधा स्टैंड है कि भगत सिंह कोश्यारी का यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। बीजेपी छत्रपति के नाम पर, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश करती है। आज उसको ये साबित करना पड़ेगा कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को बड़ा मानती है या अपने भगत सिंह कोश्यारी को बड़ा मानती है। अगर वो वाकई सच्ची है, अगर वो वाकई शिवभक्त है, तो उसको पहली फुर्सत में राज्यपाल को महाराष्ट्र से अकाल पट्टी करना पड़ेगा। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सीधा सीधा क्लियर स्टैंड है। सर, सबको पता है कि शिवाजी महाराज का आदर सम्मान पूरे महाराष्ट्र में क्या है, बल्कि महाराष्ट्र उनके नाम पे चलता है, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि देखिए कुछ पर्टिकुलर मानसिकता के लोग, आरएसएस मानसिकता के लोग इस देश में जो असल हीरो है छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि को कम करने और अपनी सोच को चाहने वाले लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी नहीं होने देगी। इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हमारी पूरी टीम गांधी चौक के ऊपर जमा हुई थी। हमारा यहाँ पर जमा होने का मकसद ये है कि जो पिछले दिनों में गवर्नर साहब की तरफ से एक बयान दिया गया था उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, और हमारा आज कहना ये है कि इस गवर्नर को यहाँ से हटाया नहीं जाए, इस गवर्नर को यहाँ से लात मार के निकाला जाए, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर वही शख्स रह सकता है जो शिवाजी महाराज को अपना आइडल माने और शिवाजी महाराज को अपना हीरो माने, जो शिवाजी महाराज के बारे में अपशब्द कहेगा, ऐसे किसी शख्स की हमारे महाराष्ट्र को कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। हमारी ये मांग है कि बीजेपी तुरंत जो है तो इस गवर्नर को यहाँ से हटाए, और एक बात क्लियर बीजेपी ने करना चाहिए कि उनका आइडल कौन है, शिवाजी महाराज है या ये गवर्नर है जिसने महाराज के बारे में अपशब्द कहने की हिम्मत की। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम की तरफ से मांग करता हूँ कि कोश्यारी को तुरंत जो है तो गवर्नर पोस्ट से हटाया जाए और लात मार के धक्के मार के महाराष्ट्र की सरहद के बाहर किया जाए। ये मांग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यहाँ पर है। कोश्यारी हटाओ।